माली समाज का महाराष्ट्र में दूसरा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। इतना ही नहीं, 42 विधानसभा क्षेत्रों में माली समाज की राय निर्णायक है। ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक दलों को माली समुदाय से अधिक उम्मीदवारों को नामांकित करना चाहिए, अन्यथा उन्हें लोकसभा जैसे परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। यह बात माली महासंघ के अध्यक्ष अरुण तिखे ने आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कही। इस अवसर पर तिखे ने कहा कि एक समय में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विधायक माली समुदाय के थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में माली समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कम हो गया है। हर राजनीतिक दल माली समुदाय को मानकर अपनी राजनीतिक चाल चल रहा है, लेकिन माली समुदाय इस साल के विधानसभा चुनाव में इसे दोहराने नहीं देगा। 1978 में विधानसभा में विधायकों की सबसे ज्यादा संख्या नहीं, 1978 में विधानसभा में अधिकांश विधायक माली समुदाय के थे। 2024 में यह संख्या एक तिहाई तक पहुँच जाएगी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 16% सीटों वाले समुदाय को 35 सीटें दी गई है, जबकि 11% सीटों वाले माली समुदाय को सिर्फ एक सीट दी गई है। इसी तरह की नीतियां विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव में भी देखी जाती है। इस पृष्ठभूमि में यह सूचित किया जाता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की सही संख्या पर विचार करने और राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए रविवार 23 जून 2024 को माली भवन नाहटा कॉलेज भुसावन में माली समाज हक परिषद का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। यांच्या तर्फे भुसावळ येथे 23 जून ला माली समाज हक्क परिषद आयोजित करण्यात आलेली आहे। त्यानिमित्ताने आज आपल्याला माहिती देण्याकरता ही पत्रकार परिषद माहिमा संघातर्फे आयोजित केलेली आहे। या पत्रकार परिषदेमध्ये आपलं सर्वांचं मी स्वागत करतो। आपल्याला प्रेस नोट दिलेलीच आहे, त्यामध्ये 23 तारखेला जी माळी समाज हक्क परिषद होणार आहे त्या हक्क परिषदेमध्ये भुसावळ येथे माळी समाजातील महाराष्ट्रातील संपूर्ण राजकीय क्षेत्रात काम करणारे व्यक्तिमत्व यांना आम्ही निमंत्रित केलेलं आहे। ही गरज का भासली? माई महासंघाला असं वाटलं की दिवसेंदिवस माई समाजाचा राजकीय क्षेत्रातील टक्का हा कमी झालेला आहे, कमी होत आहे। पूर्वीच्या मानाने आज त्याचं प्रमाणसुद्धा फार कमी झालेलं आहे। त्या दृष्टिकोनातून माई समाजातील आमच्या बांधवाचं राजकीय क्षेत्रात अस्तित्व वाढवण्याकरता त्यांना एक माहिती देण्याकरता, विविध विषयावर माहिती देण्याकरता ही हक्क परिषद भुसावळ येथे आयोजित केलेली आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पासी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।